सो हे एवरीवन, वेलकम बैक इन ज्ञान बर्नर यूट्यूब चैनल। देखो, इससे पहले मैंने एक कस्टम रोम पे वीडियो बनाया था जिसका नाम था पेंगविनवर्स। वो एक काफ़ी अच्छी कस्टम रोम थी और वो उन लोगों के लिए थी जो अच्छी एक यहाँ पर बैटरी लाइफ भी एक्सपेक्ट करते हैं और यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस भी एक्सपेक्ट करते हैं। बट समहाउ जो बैलेंस वाली होती है ना, उसमें आप गेमिंग उतनी अच्छी नहीं कर सकते। बट अभी इस टाइम या फिर इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसी कस्टम रोम लेके आया हूँ जिसका नाम है चैरीवर्स और ये स्पेशली टारगेटेड है गेमर्स को। लाइक यहाँ लेट्स टॉक अबाउट द कस्टम रोम। वेल, इस कस्टम रोम का नाम है वो है चैरीवर्स। अगर मैं यहाँ पर आपको लेके चलूँ सेटिंग के अंदर, लेके चलूँ आपको अबाउट फोन के सेक्शन में, और अबाउट फोन के सेक्शन में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके आप देख सकते हो आप चैरीज वर्जन 4.2 देखने को मिलता है और एंड्रॉयड वर्जन ये 13 पे भी काम कर रहा है। बट मेरे ख्याल में एंड्रॉयड 14 भी हो सकता था अगर मेंटेनर इसको आगे सपोर्ट करते तो, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने जो है वो इसका सपोर्ट है वो बंद कर दिया था 2022 के अंदर। उसके बाद में ये अभी एंड्रॉयड 13 पे ही चल रही है। इसका जो अपडेट था वो यहाँ पर एंड्रॉयड 13 पे ही था और ये लास्ट है। इसके जो मेंटेनर थे वो यहाँ पर अंकित थे और अभी इन्होंने जो है इसका सपोर्ट बंद कर दिया है। और लास्ट आपको जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है वो है नवंबर 5, 2022। ठीक है, कुछ ऐसी मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ पर आपको आगे बताता हूँ मैं। वेल, व्हाट अबाउट कस्टमाइजेशंस? तो यहाँ पर आप जैसे सेटिंग में आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैरीज सेटिंग्स। आप जैसे इस पे आते हो तो यहाँ पर आपको देख सकते हो स्टेटस बार, क्विक सेटिंग, थीम, बटन, एनिमेशन, लॉक स्क्रीन, पावर बटन, नोटिफिकेशन एंड मिसलेनियस। बट जो गेमर्स हैं उनके लिए जो सबसे बेटर एक ऑप्शन है वो है मिसलेनियस फंक्शंस। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक जो ऑप्शन है जो कि है ये अनलॉक हायर FPS इन गेम्स, इसको इनेबल कर देना है एंड दैट्स इट। अब क्या होगा कि आपके फ़ोन के अंदर PUBG, BGMI जैसे गेम्स हैं वो 90 FPS पे प्ले होंगे। बट उनमें भी एक कैच है कि मान के चलो आपको अच्छा गेम प्ले करना है इस पोको X2 डिवाइस के अंदर, तो ऐसा करना आप जैसे आपको 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आप 90 FPS पे प्ले ना करके 60 FPS पे प्ले करना। तो इससे क्या है कि आपका एक फ़ोन तो हीट कम होगा और सेकेंड है कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी एज़ कम्पेयर टू 90 FPS। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 90 FPS का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट कुछ ऐसी कमियां हैं जिनका अगर आपको पता चलेगा तो आप कुछ ऐसे करोगे। नो, लेट्स टॉकिंग अबाउट द बग्स। ऐसे नहीं है, नॉर्मल 2-3 से बग्स है, बट एक बग तो काफ़ी मेजर है, वो है इसके कैमरा का। वेल, इसके साथ जो स्टॉक कैमरा आता है वो है ये, और ये काम नहीं कर रहा। मतलब ये काम करता ही नहीं है, इस वाले वर्जन में दिक्कत है। क्योंकि आगे कोई अपडेट आता था तो इसको फिक्स करते, बट एक मेरे ख्याल में फाइनल स्टेबल जो अपडेट है वो इनको निकाल देना था पोको X2 के लिए, सो दैट कि उसको अच्छे से यूज़ कर पाते। बट अभी इसके अंदर क्या है कि जो स्टॉक कैमरा आता है इसके साथ में वो वर्किंग नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर कोई और जो कैमरा है वो यूज़ नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर गूगल कैमरा इंस्टॉल कर लिया, आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप जो कैमरा है वो डाउनलोड कर लेना, वर्किंग करेगा। और ये यहाँ पर गूगल कैमरा काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मतलब सारे यहाँ पर फीचर्स वर्किंग है, भले वो नाइट लाइट हो या कुछ भी हो। और यहाँ पर मैंने रात को फोटो वगैरह भी क्लिक की थी तो काफ़ी अच्छी आई है यहाँ पे। ये जो फोटो दिख रही है इसके अंदर ये जो लाइट आ रही है ये मून की है, कोई यहाँ पर सन नहीं है। ये ध्यान रखना, ये रात के 8:30-9 बजे ये रात के 10-11 बजे के आसपास की फ़ोटो ली गई है। तो हाँ, जितना मैं बताऊँ तो यहाँ पर ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है गूगल कैमरा के साथ में वो तो डेफिनेटली देखो यार अच्छी होनी है। बट इसका जो स्टॉक कैमरा जो कि कस्टम रोम के साथ में आता है वो यहाँ पर काम नहीं करता। सेकंड थिंग, इसके अंदर जो आपको गूगल एल देखने को मिलता है जिसकी वजह से अगर आप मान के चलो कहीं पर भी कॉल वगैरह करते हो और कॉल रिकॉर्ड करते हो तो सामने वाले को ये अनाउंस करके बता देगा, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अनोइंग सा पार्ट है इस कस्टम रोम का। क्योंकि मेरा मानना है कि गूगल डायलर दे सकते हैं, बट गूगल डायलर के बजाय आप कोई दूसरा डायलर दे सकते हो जिसके अंदर यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो अनाउंसमेंट है वो ना हो। बट कोई बात नहीं, जो भी है आपके सामने है। लेट्स टॉकिंग अबाउट द अंतुतु स्कोर। वेल, इसका जो अंतुतु स्कोर आया है वो आया है 4 लाख प्लस। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है जो कि पेंगविनवर्स का था, अगर आपने देखा नहीं है तो यहाँ पर आपको आई बटन पे लिंक है वो देखने को मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। उसका जो तो स्कोर था वो था 3,30,000+। तो वो ठीक था, मतलब उतना अच्छा भी नहीं था, बट ये स्पेशली परफॉर्मेंस टारगेटेड है तो यहाँ पर आपको 4 लाख का जो स्कोर है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको गीक बेंच दिखाऊँ तो गीक बेंच इसका जो है वो पेंगविनवर्स के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें शायद 500 कुछ था। उसके अंदर जो सिंगल कोर है वो 720 है और मल्टी कोर जो है वो 1,800+ है। मतलब ओवरऑल जो है वो परफॉर्मेंस ठीक है इसकी। लास्ट टॉकिंग अबाउट द
प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन। वेल यहाँ पे भी एक ये कैच है कि यहाँ पर आपको प्ले स्टोर है वो सर्टिफाइड देखने को नहीं मिलता, लाइक देख सकते हो डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड, बट समहाउ आप इसको भी बाईपास कर सकते हो, फिर इसको भी सर्टिफिकेशन में ला सकते हो। बट तो मेरे ख्याल में ये जो कस्टमर रूम है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गेमर्स के लिए है। मान के चलो आप इसमें कोई बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो शायद आपको ये जो है वो कस्टमर रूम इंस्टॉल ना करनी चाहिए, बट अगर आप यहाँ पर जो है वो ये कस्टमर रूम गेमिंग के लिए या फिर परफॉर्मेंस को टारगेट करके इंस्टॉल कर रहे हो देन डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो। अगर जिनको एक मतलब अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, लाइक यहाँ पर अच्छी गेमिंग भी करनी है और यहाँ पर बैटरी लाइफ भी अच्छी चाहिए और सारे जो बैंकिंग काम है वो भी हो जाए, तो आप पेंगुइन ओएस की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको बीजीएमआई के ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको, पर आपको पबजी के बीजीएमआई के ग्राफिक्स दिखाऊँ तो आप देख सकते हो स्मूथ के अंदर 90 fps का ऑप्शन है यहाँ पे, बट मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पर एक्सट्रीम पे ही प्ले करता हूँ। बट जैसे तैसे मगर मान के चलो इसको अगर 90 fps पे भी प्ले करता हूँ तो ऐसे कोई मेजर इशू नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं करेगा, सारे फीचर अच्छे से वर्किंग है और मतलब गेम प्ले भी काफ़ी अच्छा हो जाता है इसके अंदर। ये देखते हैं गेम प्ले करते हैं इसके अंदर। एक चीज और है जो कि आपको बताना काफी जरूरी है कि इसके अंदर आप इतनी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं मेरा खुद का बताऊं तो यहाँ पर मैं बैटरी आपको दिखा देता हूँ और बैटरी यूसेज भी दिखा देता हूँ। नाउ लुक एट दिस, उतना मैंने यहाँ पर मेजर यूज नहीं किया था इसको, मतलब ये मान के चलो कि इसमें शायद सही से नहीं चल रहा है, बट हाँ मैं अगर आपको बताऊँ अप्रोक्स से तो मान के चलो कि 3 से 4 घंटे तक का ही बैटरी बैकअप दे सकती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप मान लो गेम मोड में इसको चलाते हो तो शायद 2-2.5 घंटे तक ही चले, मतलब कंटिन्यूसली 2-2.5 घंटे 4 घंटे तक मैक्सिमम चल सकती है। बाकी अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करते हो देन डेफिनेटली आपको एक दिन है वो आराम से निकाल देगी। बाकी हाँ अगर आप इस कस्टम रोम को यूज़ करते हो तो आप निराश नहीं होने वाले, सारे फीचर ऑलरेडी वर्किंग है और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी यूनिक से हैं, लाइक कस्टमाइजेशन वाला वो यहाँ पर आपको पेंगुइन ओएस में देखने को नहीं मिलता। बट जो भी है जैसे भी है कस्टम रूम आपके सामने हैं, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए देन आप इस कस्टम रूम की तरफ जाओ। और बाकी अगर आपको एक बैलेंस लाइफ चाहिए जहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे गेमिंग भी कर पाएँ और बैंक के वाले एप्लीकेशन वो भी यूज़ कर पाएँ देन डेफिनेटली आप जो है वो पेंगुइन ओएस की तरफ जा सकते हो। वेल ये था वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। बाकी इस कस्टम रोम का लिंक और इसके साथ यूज़ होने वाली कस्टम रिकवरी का लिंक दोनों का जो है वो मैं आपको लिंक है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इस कस्टम रोम को इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी है वो यहाँ पर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।